नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, दो खबरें आज के इस वीडियो में आपके लिए। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन ने सीमा अवार्ड जीत लिया है, मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। पोनियम सेल्वन पार्ट टू उनकी फिल्म आई थी, उसमें बेहतरीन अभिनय के लिए नंदिनी, राजकुमारी नंदिनी के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि हाउसफुल 5 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। क्रू पे 45 दिन की शूटिंग है, लंदन में शूटिंग शुरू हो चुकी है, पूरी क्रू मेंबर्स वहां पहुंच चुके हैं। तो पहले ऐश्वर्या राय बच्चन की खबर की डिटेलिंग जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अभिषेक बच्चन नहीं थे वहां पे, बात बनी बननी भी चाहिए थी, लेकिन अभिषेक बच्चन ऑलरेडी लंदन जा चुके थे। उस समय 11 तारीख से शूटिंग थी, 15 तारीख से शूटिंग थी हाउसफुल 5 की, तो वो नहीं थे यहाँ पे। और होते तो भी जाते हैं, नहीं जाते पता नहीं, उनकी टेंशन की खबरें लगातार चल रही है, कुछ गड़बड़ है इससे खबरें भी लगातार चल रही है। लेकिन जब ऐश्वर्या बच्चन ने ये अवार्ड जीता, प्रतिष्ठित अवार्ड जीता, तो वहाँ पे चिन्मय विक्रम भी थे और उनको भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा जेल फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा साउथ के और भी बड़े बड़े, जो ये साउथ इंडस्ट्री के ही अवार्ड है, तो ये साउथ के कई बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे थे, सभी को कुछ न कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पे केवल ऐश्वर्या बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन मौजूद थी, और उन्होंने अपनी मम्मी को, अपनी माँ को, ऐश्वर्या बच्चन को जब ये अवार्ड दिया गया तो कुछ फोटोज भी उन्होंने कैप्चर किए, तो काफ़ी अच्छी उनकी जोड़ी लग रही है। लेकिन अच्छा होता पूरा बच्चन परिवार नजर आता ऐसे मौके पर, लेकिन नहीं थे, अमिताभ बच्चन भी नहीं थे। और यहाँ तक कि बच्चन साहब ने, अभिषेक बच्चन ने उनको पब्लिकली सोशल मीडिया पर ट्वीट वगैरह करके कोई बधाई भी नहीं दी। मैंने कोई ट्वीट वगैरह भी उनका नहीं देखा है। तो ये कुछ संदेह, कुछ शक, कुछ परेशानी, क्या टेंशन, क्या प्रॉब्लम, कुछ तो गड़बड़ है वो जरूर यहाँ पर लगता है कि कुछ है, कोई टेंशन है, कुछ बात है बच्चन फैमिली में, अभिषेक ऐश्वर्या के बीच में या और अन्य परिवार के सदस्यों में, जिनको उम्मीद करते हैं जल्दी ही सुलझ जाए, मामला अच्छा है। बीच में अभिषेक बच्चन ने कहा भी था अभी अपने स्टेटमेंट में कि हम शादीशुदा है, हमारा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा भी था। लेकिन फिर भी जब ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें आती है तो लोगों को चिंता, प्रशंसकों को ना स्वाभाविक होती है, एक्टर्स को मजा भी आता है इसी बातों में। अभी क्या कहा जा सकता है। खैर, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से उनकी बॉन्डिंग है, सारे मामले अच्छी तरह से तो सुलझ जाए। जहाँ तक हाउसफुल 5 की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त इसका शूटिंग शेड्यूल चल रहा है। 45 दिनों का शूटिंग शेड्यूल है, सभी बड़े बड़े कलाकार वहाँ पहुँच चुके हैं, चाहे अक्षय कुमार हो, अभिषेक बच्चन हो, रितेश देशमुख हो, फरदीन खान हो, और जो भी जितने भी फीमेल स्टार कास्ट है। इसके अलावा रंजीत हसानी, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, ये सब कुछ वहाँ पे सब मौजूद है। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी शूटिंग का 45 डेज का फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत बड़ी फिल्म है। संजय दत्त, नाना पाटेकर, मोहम्मद ईरानी और पता नहीं कितने कलाकार यहाँ पे आने वाले हैं, तो बड़ा ही मजा इसमें आएगा। बहुत इंतजार मैं इस फिल्म का करूँगा। 6 जून 2025 को ये फिल्म रिलीज होगी। फिलहाल इतने ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम जी।